हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 30 फीट बाई 52 फीट के प्लान की। नेक्स्ट लास्ट वीडियो में भी हमने ऐसे ही प्लान की बात की थी। आज ये दूसरा प्लान है 30 बाई 52 फीट का। तो ये एक आपका ईस्ट फेसिंग आपका प्लॉट है। आप देख सकते हैं यहाँ से आपका मेन गेट दिया गया है और यहाँ पे स्टेयर्स को यहाँ से ही प्रोवाइड किया गया है, जो आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका स्टेयर प्रोवाइड किया गया है। और इसमें आप 11, 17 और 23 नंबर्स स्टेयर्स के रख सकते हो एज पर वास्तु। फिर यहाँ पे एक पोर्च का एरिया है और यहाँ से आपकी लॉबी के अंदर एंट्री दी गई है। एक डोर लगाया गया है, या तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं लॉबी में, या फिर यह ड्राइंग रूम क्रिएट किया गया है और यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हो लॉबी में। ड्राइंग रूम है 12 फीट 9 इंचेस बाई 11 फीट का और पोर्च है 8 फीट बाई 15 फीट 7.5 इंचेस की। तो यहाँ पे आपका किचन प्रोवाइड किया गया है 7 फीट बाई 11 फीट का। आपका यहाँ पे किचन को प्रोवाइड किया गया है और मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया गया है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। हमेशा आपने देखा होगा हर एक प्लान में मास्टर बेडरूम सबसे ज्यादा मेन होता है आपका घर का, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए एज पर वास्तु। तो 12 फीट 9 इंचेस बाई 12 फीट का आपका मास्टर बेडरूम यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है और एक बेडरूम यहाँ पे बनाया गया है 12 फीट बाई 12 फीट का। 3 फीट की वाइड पैसेज है और रियर ओपनिंग पीछे, और यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन ऊपर की लेंटर की यहाँ पे प्रोजेक्शन है। एक ड्रेसिंग रूम और टॉयलेट यहाँ से अटैच की गई है और एक बाथरूम यहाँ पे कॉमन रखा गया है। क्लियर। एक बाथरूम आप यहाँ पे भी बना सकते हो स्टेयर के नीचे अगर आपके पास स्पेस है यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे ऊपर जाते हैं तो जो पोर्च के ऊपर है वहां पे स्टडी रूम बना दिया गया है और यहाँ पे ड्रॉइंग रूम किचन और जैसे भी नीचे था डाइनिंग और लॉबी वगैरह आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो एज इट इज, जैसे आपका पोर्शन नीचे था। बट पूजा रूम को हमने यहाँ से हटा दिया है। पूजा रूम हमने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे रखा है, जो जिसकी डायरेक्शन आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, जो 8 फीट बाई 5 फीट का आपका यहाँ पे पूजा रूम है। अगर आप 3D देखना चाहें तो यहाँ पे 3D है जहाँ से आप एंटर करेंगे और इस तरीके से आप 3D को डिजाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।